A very good morning to everyone. You are most welcome at the Major Kalsi classes. This is Abhishek Dwivedi, your GS faculty. आप सभी का Major Kalsi परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है. मैं अभिषेक द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ. इस Major Kalsi परिवार की जो मुहिम है कि कोई भी बच्चा छूटे ना और ये जो डिफेंस में सिलेक्शन होने वाली कड़ी है ये टूटे ना, इसी के साथ एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन, जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले हैं सिर्फ वही सिलेक्शन लेने वाले. आइए अपने करंट अफेयर का प्रोग्राम शुरुआत करते हैं. आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो ऐसे नए स्वायत्त राज्यों के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जिनको किसी एक देश के द्वारा मान्यता दी जा चुकी है, वो कौन सा देश है. इन सब सारी चीजों के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे. पहले तो देखते हैं कि कौन से दो स्टेट्स ऐसे हैं, प्रांत ऐसे हैं, तो उनका नाम है डोनेट्स्क एंड लुहांस्क. दो ऐसे स्टेट्स हैं जिनको एक कहीं ना कहीं स्वायत्त राज्य का दर्जा देने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है. आइए उसके साथ साथ हम लोग आज क्या देखेंगे, सेला टनल प्रोजेक्ट, इससे भारत को क्या प्रभाव पड़ेगा, इस टनल के उपयोग से भारत किस कंट्री के ऊपर एक काउंटर अटैक भी कर सकता है, और युद्ध और वार कैजुअलिटीज की परिस्थिति में किस तरीके से यह टनल हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगी. उसके साथ साथ नेशनल स्टैटिक्स डे के बारे में डिस्कशन करेंगे, कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है, और नासा के एक मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली अभी हुआ है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे. इसके साथ साथ हम लोग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में, भारत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वो कौन सी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. कहां से उसका, किस क्षेत्र विशेष से उसका प्रक्षेपण किया गया, यहां पे टेस्टिंग की गई कहां से, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ जो गौतम बुद्ध का अवशेष भारत से चार बाहर भेजे गए थे यानी कि मंगोलिया, वो अब वापस आए हैं, इनके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे. इसके साथ साथ हम लोग सिडनी मैकलॉगिन के बारे में बात करेंगे. उसके साथ साथ ब्रिक्स में दो नए कंट्रीज जो कि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ब्रिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ पद्मा स्कीम के बारे में और करंट के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल राव किस वजह से खास ही में पूरे हफ्ते में चर्चे में बने रहे, इसको भी डिस्कशन करेंगे. लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव टू नो एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव टू डिस्कस राइट नाउ. इससे पहले आपको बता दूं, इस पूरे हफ्ते के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अपडेट्स रही है, वो महाराष्ट्र में फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और किस तरीके से एकनाथ शिंदे जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और इसके साथ साथ उससे पीछे का क्या घटनाक्रम रहा, उसके पीछे कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जो काफी इंपॉर्टेंट रही, उन सब सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. और उम्मीद करता हूं यह करंट अफेयर का सेशन आपको बेहद पसंद आने वाला है, और ज्यादा से ज्यादा आपको अपने से रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर करना है, कमेंट्स करना है, जिसको देख करके मैं एकदम भाव विभूत हो जाऊं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना कारवां. सबसे पहले यह मैप आप देखिए, ध्यान से देखिए. इस मैप को अगर आप देखते हैं तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दो ऐसे स्टेट्स के बारे में, दो ऐसे स्टेट्स जहां पे आप यहां पे देखेंगे नाटो एलाइज के मेंबर्स को यहां पर आप देख पा रहे हैं इस मैप के कलर के थ्रू. नाटो एलाइज हैं यहां पे, यानी कि नाटो के मेंबर, जिसकी स्थापना जो की गई थी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में की गई थी. आज भी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, नाटो. और नाटो का हेडक्वार्टर कहां है, बेल्जियम के ब्रसेल्स में. कहां है बेटा, बेल्जियम के ब्रसेल्स में. और 126 उसी के वास्ते कहीं ना कहीं ये यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ ना, क्योंकि नाटो का मेंबर बनना चाहता था यूक्रेन. चलिए आइए कुछ घटना चक्र को देखते हैं कि कैसे परिस्थितियां ऐसी हुई. 1991 में, 1991 में कुछ स्वतंत्र हुए राज्य जो कि कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, यूएसएसआर बोले तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन्स, एक कंट्रियों का अलायंस समूह जो कि विघटित हो जाता है 1991 के बाद से. उस टाइम अगर मैं बात करता हूं तो वहां की कुछ ऐसी विशेष नीतियां जिसमें कि मिखाइल गोरबाचो की कुछ ऐसी उदारीकरण की नीतियां जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यह विघटन होता है. अब आइए आगे बात करते हैं. यहां पे मैप में आप यूक्रेन की कैपिटल है कीव, आप सब जानते होंगे, यह है यूक्रेन आपका, और यहां पे आप देख पा रहे होंगे रसिया, और रसिया की कैपिटल आप सबको पता है मॉस्को, और यूक्रेन की कैपिटल क्या है, कीव. और रसिया के प्रेसिडेंट जो है बात करी जाए तो व्लादिमीर पुतिन, और यहां पे यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की साहब है. चल अब इन सब सारी चीजों को डिस्कशन करने के साथ आप यहां पे एक वाइडर मैप में जो डिस्कस कर पा रहे हो, यहां पे दो स्टेट्स मैं बात कर रहा हूं, लुहांस की बात कर रहा हूं और डोनेट्स्क की बात कर रहा हूं. डोनेट्स्क की बात कर रहा हूं यानी कि इन दोनों राज्यों को कहीं ना कहीं सीरिया के द्वारा जिसकी कैपिटल क्या है, दमिश्क. अगर इसकी बात करते हैं तो इसको मान्यता दे दी गई है. और यहां पर एक चीज और समझिएगा, यह जो रीजन है डोन बास रीजन,
ये इसी के लिए कहीं ना कहीं अपने प्रस्ताव में सीरिया ने सपोर्ट किया है कि वाकई में इन दोनों स्टेट्स को स्वायत्तता की दर्जा दिया जाना चाहिए। आइए अब ये आप देख पा रहे होंगे पूरा मैप, और आप जानते ही हैं कि जो जिस रसिया की आज मैं बात कर रहा हूं, जिस रसिया की वजह से या यूक्रेन की वजह से पूरा घटना चक्र बदला है विश्व पटल पे, अगर उसकी बात करते हैं तो यहां पे देखेंगे क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लिया था रसिया ने 2014 में, और पहले G8 का मेंबर हुआ करता था रसिया, और इसे बाहर कर दिया गया फाइनली इस एनेक्सेशन की वजह से, और वर्तमान समय में कौन सा G7, और G7 की भी बैठक हाल ही में कहां हुई 2022 में, होस्ट कंट्री कौन सी थी, जर्मनी, ओलफ अलकांज साहब इसकी इनकी अध्यक्षता में यह बैठक हुई, और भारत इसका सदस्य नहीं है, G7 का इंडिया मेंबर नहीं है, बट एक ऑब्जर्वर, एक इनवाइटिंग कंट्री के तौर पे इसने पार्टिसिपेट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए अब ये घटना चक्र क्या है, क्यों ये चर्चा में है, इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाल ही में सीरिया आएगी, अरब गणराज्य ने पूर्वी यूक्रेन के दो अलगाववादी गणराज्यों को स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता दी है। अब ये दोनों राज्य कौन से हैं, लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक, ये दो राज्य ऐसे हैं जिन दोनों राज्यों को स्वायत्तता के रूप में मान्यता देने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ सीरिया रूस के अलावा डोनेट्स्क और लुहांस को मान्यता देने वाला प्रथम देश बन गया है, यानी कि सीरिया की मदद भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली रसिया ने बहुत करी है, तो अब रसिया के सपोर्ट में आया है सीरिया। और जैसा कि रसिया ने पहले ही फरवरी के महीने में ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि रसिया के द्वारा कि भाई डोनेट्स्क और लुहांस ये स्वतंत्र राज्य होंगे। अब वास्तव में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और डोनेट्स्क और लुहांस को फरवरी में स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता दी थी। ध्यान दें कि सीरिया को 2015 के बाद से अपने नागरिकों में रूस के द्वारा काफी भारतीय समर्थन दिया गया था, मतलब सीरिया के नागरिकों के लिए वेलफेयर की स्कीम्स चलाई गई थी और उनके वेलफेयर के काम किए गए थे रसिया के द्वारा, कहीं ना कहीं इसका भी यहां पर आप देख पा रहे हैं। अब ये सारा घटना चक्र हुआ, और इस तरीके से अभी अगर मैं बात करूं तो हालांकि अबखाजिया और दक्षिण ओसिनिया को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जॉर्जिया के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। रूस और कुछ अन्य देश उन्हें स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता देते हैं। आप ये जान लीजिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो इशू है ताइवान का, वैसे समझ लें कि आप ऐसा ही कुछ हो रहा है घटनाचक्र रसिया और यूक्रेन के बीच के क्षेत्र विशेष में, जो डोनबास रीजन है, दो उन राज्यों को स्वतंत्रता की मान्यता दे दी है सीरिया ने, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और आपको चीजें बता दूं, रसिया में जो करेंसी चलती है वो रसियन रूबल चलती है, रसिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम आप सब जानते हो व्लादिमीर पुतिन, रसिया की संसद का ही नाम है ड्यूमा। तो इस प्रकार के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और सीरिया वो पहला देश बन गया है जिसने इन दोनों राज्यों को स्वायत्तता की मान्यता दे दी है। तो चलिए इसके साथ साथ ये इंग्लिश में उसी का वर्जन है, ये भी आप देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। और आपके लिए अगला जो हमारा एजेंडा और टॉपिक है वो है सेला टनल। सेना टनल कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में, और इसके क्या, अब आप देख पा रहे होंगे सेना टनल, अगर हम बात करते हैं सेला पास टनल जो बनाया गया है उससे आप देख पा रहे हैं तवांग की डिस्टेंस को मिनिमाइज करने का प्रयास किया गया है, टोटल ट्रेवल रिड्यूस किया गया है 1 घंटे का, और एसेसिबिलिटी भारत की दूर सुगामी क्षेत्रों में बनाने के लिए कहीं ना कहीं इस टनल का महत्वपूर्ण योगदान है। और आप समझ पा रहे हैं कि ये जो टनल बनी है वो कहां पे बनी है, वेस्ट खेमांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। सेला टनल प्रोजेक्ट जो है ये कहां पे बना है बेटा, ये बना है अरुणाचल प्रदेश में। और आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का ही एक गांव जिसे बोलते हैं किम्बथू, एक स्थान जिसे बोलते हैं किम्बथू, वो भारत का अंतरिम बाउंड्री लाइन है ईस्टर्न एरिया में। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात से गौर माता के बीच में जो टाइम जोन का डिफरेंस आता है वो लगभग 2 घंटे का अप्रोक्सीमेटली आता है। इसके साथ साथ आइए आगे की बातों को मैं डिस्कस करूंगा, आगे की बातों को अगर हम डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमको डिस्कस करना है। वंस कंप्लीटेड इट विल बी द लाइफलाइन, इट विल बी प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द तवांग। तवांग जो क्षेत्र है, थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यहां से हमारी कनेक्टिविटी बनेगी, और इसी कनेक्टिविटी के लिए अब ध्यान समझिएगा, जो टनल है द प्रोजेक्ट कंप्राइजेस टनल 1 जो कि 980 मीटर लॉन्ग है, सिंगल ट्यूब टनल, एंड द टनल 2 विच इज द 1555 मीटर लॉन्ग ट्विन ट्यूब टनल। टनल 2 हैज 1 बाई लेन ट्यूब फॉर द ट्रैफिक एंड 1 एस्केप ट्यूब फॉर इमरजेंसीज, ये ध्यान सुनिएगा, और इट विल बी आल्सो बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अबव द अल्टीट्यूड ऑफ 13,000 फीट। एक्चुअल में ये ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है, तो यहां पर 13,000 फीट की ऊंचाई लगभग अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगी, तो ये लॉन्ग हाई अल्टीट्यूड टनल हो गई। द प्रोजेक्ट आल्सो इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ अप्रोचेस रोड ऑफ 7 किलोमीटर टनल 1, मतलब
मतलब एक साइड में रोड भी है इससे जो कि 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इसको अटैच करती है, विच टेक्स फ्रॉम बीसीटी रोड एंड लिंक रोड ऑफ 1.3 किलोमीटर विच कनेक्ट टनल 2, 1 एंड 2। मतलब टनल 1 और 2 का क्या अहमियत है ये चीजें आप समझ गए। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सिला टनल वॉर प्रोजेक्ट लेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन 2019। इस टनल का जो एक शिलान्यास किया गया था वो 2019 में किसके द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आइए अब इस स्कीम को हम आगे देखते हैं। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, इस टनल की उपयोगिता अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ हो रही अरुणाचल प्रदेश से तवांग जो है, अरुणाचल प्रदेश में तवांग की जो कनेक्टिविटी थी अरुणाचल से उसको लिंकअप करने का पहला प्रयास। दूसरा, आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं चाइनीज औपनिवेशिक शक्तियाँ अपना प्रभाव डालना चाहती हैं इन टेरिटरीज क्षेत्रों में, उस प्रभाव को भी निष्क्रिय करने के लिए यह टनल बहुत मैंडेटरी था जिसका निर्माण अरुणाचल प्रदेश के खेमांग डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। इसके साथ साथ अगला हमारे पास एजेंडा है, अगला एजेंडा है नासा का कैपस्टोन मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, कैपस्टोन मिशन जो लॉन्च किया गया है इसका क्या कारण है और लॉन्च करने का वजह क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात। नासा की अगर मैं बात करता हूं तो इसका फुल फॉर्म है द नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये अमेरिका की एजेंसी है। कहां की है बेटा, यूएसए की एजेंसी है, जैसा कि आप सब समझ पा रहे होगे। नासा, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, नासा की बात कर रहा हूं। तो नासा का मतलब क्या हुआ, नासा यहां पे देखते हैं नासा ना, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब की गई मेरे प्यारे बच्चों, 1958 को। कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई, 1958 को। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये किसका नाम है, एक अमेरिका की एजेंसी का, जिसकी स्थापना 1958 में की गई। अब आइए अपने मुद्दे पे आते हैं। जानते हैं इस अंतरिक्ष नासा का कैपस्टोन मिशन लॉन्च किया गया हाल ही में, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया है। ठीक है, इस अंतरिक्ष यान को यूएसए न्यूजीलैंड की रॉकेट लैब द्वारा लॉन्च किया गया था। यह अंतरिक्ष यान नासा के लूनर गेटवे का उपयोग करके चंद्रमा की परिक्रमा करेगा और प्री ऑर्बिट की स्थिरता का परीक्षण करेगा। यानी कि क्या करेगा भैया, यह चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। चंद्रमा की परिक्रमा करने का मतलब क्या है, आप जानते हैं कि अभी हाल ही में चाइना की एजेंसी के द्वारा चंद्रमा का सबसे बृहद जो इमेज है वो भेजा गया। इससे पहले नासा ने दिया था तो एक ही सतह की इमेज दे पाया था, लेकिन सबसे ब्रॉडर और क्लियर इमेज अगर किसी ने चंद्रमा की दी है अब तक तो वो चाइना की स्पेस एजेंसी ने दी है। तो अब एक चैलेंज अमेरिका के सामने राइज अप हुआ और अमेरिका ने ऐसा करने के लिए इसीलिए मन बनाया कि भाई कहीं ना कहीं जो स्पेस में जो स्पेस वॉर है उसके दृष्टिगत अगर देखा जाए अपने प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत, तो चाइना ने अपने आप को इनहेंस तो किया ही है। इसी को टक्कर देने के लिए जो यूएसए है वो चाहता है कि चंद्रमा के चारों तरफ यह मिशन के द्वारा परिक्रमा कराई जाए और इसका फुल इमेज लिया जाए और इसकी और प्री ऑर्बिट की स्टेबिलिटी को भी चेक किया जाए। ये बातें क्लियर हो गई। चलिए अपने आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो यहां पे देख पाएंगे जो इससे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चंद्रमा के अधिक भागों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। भाई ऑब्जर्व करेंगे आप और कुछ परिस्थितियां देखेंगे कि कहां से चंद्रमा की सतह पर उतरना और कहां पर रहना संभव हो पाएगा। इस मिशन का एक पूरा एक एजेंडा है और एम है। इसका फुल फॉर्म क्या है, कैपस्टोन का फुल फॉर्म क्या है, इसका नाम है सिस लूनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन, एंड क्या है, नेविगेशन। ठीक है, यह माइक्रोवेव ओवन के आकार का क्यूब सेट है जिसका वजन सिर्फ 55 पाउंड और लंबाई 59 फीट है, जैसा कि आपने इमेजेस में देखा। यह है ना इमेज, आप देख सकते हो इसका बेटा, इसकी इमेज को देख लो एक बार जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। अगर इमेज की हम बात करते हैं तो इमेज यहां पर देख लें, यह आपने देख लिया, अब क्लियर कट हो गई बात। तो चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। यहां तक बातें क्लियर हैं, उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, यहां तक सारी बातें शायद सभी को क्लियर हैं। आगे की ओर मूव करें। इसका स्वामित्व और संचालन एडवांस स्पेस एक निजी कंपनी वेस्टमिंस्टर कोलोराडो द्वारा किया गया है। अब यानी कि इसका जो निर्माण किया गया है एडवांस स्पेस एक निजी जो कंपनी है वेस्टमिंस्टर कोलोराडो द्वारा किया गया। इसकी लागत
30 मिलियन से कम है। इसका मुख्य कार्य पता लगाना है कि वांछित कक्षा में कैसे रहना है, यानी कि वांछित जो एक तरीके से कह सकते हैं जो ऑर्बिट है उसमें कैसे रहना है वो डिस्कस करेगा। कहां, किसकी सतह पर? चंद्रमा पर। यह नासा को डेटा प्रदान करेगा ताकि उसके गेटवे आउटपोस्ट को निकट जो आसपास का क्षेत्र है उसकी पहले तो ऑर्बिट को फोकस करेगा और ऑर्बिट की स्थिरता को चेक करेगा। तो यह बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेगा और फिर इसके बाद बहुत सारी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब अगला, नेशनल स्टैटिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? पीसी महालोविस। और कब मनाया जाता है? 29th ऑफ जून की, प्रसन्नता चंद्र महालोविस, ठीक है। तो इनका क्या योगदान था, आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। नेशनल स्टैटिक्स डे ऑब्जर्व ऑन 29th ऑफ जून एवरी ईच ईयर, 29th ऑफ जून यहां पे लिख दीजिएगा। द डे एम्स टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टैटिक्स इन एवरी लाइफ एज वेल एज इन द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस। द सेलिब्रेटेड स्टैटिस्टिशियन प्रोफेसर प्रशांता चंद्र महालोविस इज रिकॉग्नाइज्ड एन नेशनल स्टैटिक्स डे फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी, प्लानिंग एंड स्टैटिक्स। और एडिशनली द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट फाउंडर प्रोफेसर पीसी महालोविस सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन 29th ऑफ जून। द थीम ऑफ नेशनल स्टैटिक्स डे 2022 डेटा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट वाज द थीम ऑफ, क्या थीम थी बेटा इसकी? डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये शुरुआत कब से हुई इस प्रक्रिया की? 29th ऑफ जून 2007 से। कब मनाया जाता है? 29th ऑफ जून को। सेलिब्रेशन कब से स्टार्ट हुआ? 29th ऑफ जून 2007 से। क्या इनका कंट्रीब्यूशन था? इनका कंट्रीब्यूशन था इंडियन इकोनॉमी और प्लानिंग में, तो इसलिए हम लोग वी आर सेलिब्रेटिंग सच थिंग। ये हिंदी में है इसका। अब उससे पहले आप यहां पर आप समझ पा रहे हैं ना, नेशनल प्लानिंग। अब देखो, अगर हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन, तो ये प्लानिंग जो कमीशन हमारा आया, ये जानते हैं किस कंट्री से हमने बारोड किया था फाइव ईयर प्लान? यूएसएसआर से। यूएसएसआर फाइव ईयर प्लान, और आप जानते हैं कि ये जो फाइव ईयर प्लान हमने लिया था यो यूएसएसआर से लिया था, और प्लानिंग कमीशन को ही क्या करके एलिमिनेट करके समाप्त करके क्या किया गया? नीति आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई बेटा? नीति आयोग की स्थापना की गई। आप सबको पता होगा 1 जनवरी सन 2015, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। यानी कि नीति आयोग, इट इज वर्क एज द थिंक टैंक ऑफ इंडिया। यह भारत के लिए क्या करता है? थिंक टैंक, विचारों को, नए इनोवेटिव विचारों को ले आता है, और किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को, डेवलपमेंट को और बूस्टअप किया जाए, यह सारे विचार कहां से तैयार होते हैं? नीति आयोग से। और आपको पता होना चाहिए नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना। डिप्टी चेयरमैन वर्तमान समय में कौन बने हैं बेटा, अगर बात करी जाए तो कौन बने हैं, आपको कमेंट बॉक्स में फास्टली बताना है। और इसके वर्तमान समय में सीईओ भी बदल चुके हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हु इज द सीईओ। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं बेटा, अपने क्वेश्चन की ओर। और हमारे पास पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक न्यू प्रोग्राम स्टार्टेड बाय यूएस एंड एलाइस। आप जानते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई थी बेटा? ब्लू वाटर पॉलिसी की अगर बात करते हैं आप, तो ये पुर्तगीज की देन है। कौन लाया था? पुर्तगीज लाए थे। कौन लाया था बेटा? पुर्तगीज लाए थे। और अगर आप बात करेंगे इसके अलावा, ब्लू वाटर पॉलिसी के अलावा अगर दूसरी एक पॉलिसी देखेंगे, यानी कि कार्टेज आर्मेडा, आर्मेडा कार्टेज आर्मेडा कैफिले सिस्टम, कैफिले सिस्टम, यह भी कौन लाया था बेटा? पुर्तगीज लेकर के आए थे। और आपको बता दूं, भारत में चोलों की नेवी, जो चोल डायनेस्टी की नेवी थी, उसको कोई चैलेंज नहीं था, कोई तोड़ नहीं था। उसके बाद मराठाओं की नेवी, मराठाओं की नेवी जो थी, उसका भी कोई तोड़ नहीं था। और अपनी वर्तमान समय में मॉडर्न नेवी का भी कोई तोड़ आने वाले भविष्य में नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज, नंबरिंग कंट्रीज से जो हम लोग ये नेवल एक्सरसाइज करते हैं, और नए इक्विपमेंट्स जो एंटी गाइडेड मिसाइल्स और बहुत सारा कुछ हम लोग नया अपडेट कर रहे हैं अपनी नेवी के लिए,
तो उससे पहले आपको बता दूं, ये जो दोनों पॉलिसीज हैं ये पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज आर्मेडा कैफिले सिस्टम। कार्टेज का मतलब होता है परमिशन, आर्मेडा का मतलब होता है आर्म शिप्स, कैफिले का मतलब होता है नेवी शिप्स का ग्रुप, और सिस्टम का मतलब होता है पद्धति, मतलब एक ऐसी पद्धति। आपको बता दूं, पुर्तगीज जब इंडिया में आए थे तो पुर्तगीज का जो मेन ट्रेड सेंटर होता था हरमूज वाया गोवा वाया स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इंडोनेशिया सिंगापुर के बीच में। यानी कि आप समझ पा रहे हैं, इस क्षेत्र विशेष में वो चाहते थे कि बहुत बेहतर व्यापार किया जाए, और कोई भी अगर हमारे अलावा व्यापार करता है तो वो मैक्सिमम टैक्सेशन से दे। क्लियर है बात। दूसरी चीज, यहां पे एक चीज और निकल करके आती है, उसी को फॉलो अप में लेते हुए नेवी, वर्तमान समय में जो कंट्रीज हैं वो कंट्रीज आपस में चाहती हैं, यूएस चाहता है कि हमारा अलाइज बना रहे और हम डे बाय डे बेहतर करते जाएं। अब देखो, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन की अगर मैं बात करता हूं तो व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत का मैक्सिमम व्यापार इंडियन ओशन के थ्रू ही होकर के गुजरता है। आप सबको पता होगा, एंशियंट टाइम पीरियड से अगर मैं बात करता हूं तो भारत में जो कोस्टल स्टेट्स हैं, गुजरात महाराष्ट्र की बात करूं, चाहे मैं बात करूं बंगाल की बात करूं, चाहे इस क्षेत्र विशेष की बात करता हूं मैं ओडिशा की बात करूं, ये जो कोस्टल एरियाज हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करते हैं इंडियन इकोनॉमी में। तो अब इसी तरीके का यूएस अपने अलाइज के साथ कुछ करना चाहता है, अमेरिका और उसके सहयोगी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम, ये अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए चीन के आक्रामक दबाव को जवाब में क्षेत्र के छोटे द्वीप राष्ट्रों के साथ प्रभावी और कुशल सहयोग के लिए ब्लू पैसिफिक में पार्टनर्स नामक की एक नई पहल शुरू की है। किसकी शुरू की है? पार्टनर्स। पार्टनर्स का मतलब होता है सहयोगी। पार्टनर्स नेम की एक नई स्कीम प्रशांत में प्रभाव का, चीन द्वारा 10th प्रशांत राज्यों के साथ व्यापक साझा सहयोग समझौते पर जोर देने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि इसके विस्तार के प्रभाव की योजनाबद्ध सीमा जरूरी है। अब मेरी बातों को समझना, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो पैसिफिक ओशन के क्षेत्र में जो इसकी पावर है, चाइनीज पावर को, चाइनीज जो पावर है उसको डेमोंस्ट्रेट करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया गया। और आप जानते हैं कि क्वाड का भी मेंबर है, क्वाड वो चाहता है कि अमेरिका ये चाहता है कि अभी U2I2, ये भी नाम सुने होंगे आप, U2I2, क्वाड, ये सारी संस्थाएं ये चाहती हैं कि कहीं ना कहीं चाइनीज औपनिवेशिक शक्तियों को थोड़ा सा सप्रेस किया जाए एशियन कॉन्टिनेंट में एटलीस्ट। और यूरोप हमेशा से ये चाहता है कि जो चाइना का प्रभाव है उसको साउथ चाइना सी में रिड्यूस किया जाए, तो उसके अंतर्गत ये डिफरेंट पॉलिसीज हैं। अच्छा, U2I2 का फुल फॉर्म हमको फास्टली कमेंट बॉक्स में बताएं, U2I2 क्या है जल्दी से जरा हमको बताएं। चल आगे की ओर मूव ऑन करते हैं, आगे की ओर अगर मूव ऑन करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च पद्मा सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, मतलब अगर हम बात करते हैं ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक नई स्कीम को लॉन्च की है जिसका नाम है पद्मा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पद्मा? पद्मा का फुल फॉर्म है पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिस्पर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस। मंथली जो अलाउंसेस मिलते हैं ICG ने उसके लिए एक नई स्कीम को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? पद्मा। ठीक है, मॉड्यूल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड वॉज इनॉग्रेटेड बाय श्री रजनीश कुमार कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट CGDA। अब यहां पे CGDA आ रहा है, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कैग ना, कैग क्या होता है? कैग आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक कैग के बारे में डिफाइन किया गया है, और कैग का मतलब होता है भारत सरकार का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बेटा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। और जानते हैं इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? शुड बी एन IAS ऑफिसर हैविंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी एंड अनदर शुड बी, अगर हम बात करें, नॉट एक्सीड द एज ऑफ 65 और बन जाता है तो 6 साल तक। व्हाट इज द सैलरी? 2,50,000। व्हाट इज द सैलरी? 2,50,000। क्लियर कट है बात यहां तक। और आप जानते हैं कि कैग के ही कहने पर किसकी नियुक्ति की जाती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी की। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुल सदस्य होते हैं 22, और अगर हम बात करें तो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। हमेशा इसका जो चेयरपर्सन होगा PAC का वो अपोजिशन का होगा, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट है तो अदर होगा, बीजेपी का नहीं हो सकता PAC का चेयरपर्सन। PAC का फुल फॉर्म क्या होता है? लोक लेखा समिति। PAC का फुल फॉर्म क्या होता है? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको बोलते हैं लोक लेखा समिति। क्या बोलते हैं? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या?
यहां तक कोई ऐसी समस्या हो, कोई बात ना समझ में आए तो बताओ, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, किसी को इन डाउट नहीं, दिक्कत है, आओ आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजें थी। तो उसी तरीके से इनका जो डिफेंस का होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, वो अलग होता है, सीजीडीए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और कौन है अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन संभाल रहा है? राजनाथ सिंह। होम सेक्रेटरी कौन है? अगर मैं बात करता हूं, होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी। द सीजीआई, मतलब उसका ये कहना है कि भाई जो अभी अगर हाल ही में सरकार ने ये व्यवस्था इसलिए की है कि ई टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए, ई गवर्नेंस सिस्टम को इंक्रीज किया जाए, इनहेंस किया जाए। अगला, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM of India successfully tested by the Indian Army and DRDO. अब DRDO की बात भी हो रही है, अब तो DRDO के बारे में जानना बहुत जरूरी है यार। वो DRDO, अब DRDO की बात की जा रही है, DRDO, Defence Research and Development Organization. What is the full form of DRDO? Defence Research and Development Organization. अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो DRDO की हेडक्वार्टर कहाँ है? DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? नई दिल्ली में है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, DRDO का वर्तमान समय में, करंट समय में चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन कौन है बेटा? हु इज द चेयरमैन? और कम समय में ज्यादा कंटेंट दूंगा, पूरे यार मैं पूरा प्रयास करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप आग लगा दो इस करंट अफेयर की क्लास के साथ। पूरे ब्रह्मांड में अगर मैं कहता हूं, देखो अपने पास टाइम लिमिट होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहता हूं कि कम समय में बहुत ज्यादा जल्दी से कंटेंट आपको दिया जाए। चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। कौन है बेटा? जी सतीश रेड्डी साहब। कौन है? जी सतीश रेड्डी। इसकी स्थापना कब की गई, अपने डीआरडीओ की स्थापना कब की गई, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना कब की गई? 1958 में। कब की गई? 1958 में। ये था डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गई बात? ये किसके अंडर में काम करता है? अंडर द वर्क एज द होम मिनिस्ट्री, सॉरी डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? कहीं कोई खुजली है क्या? कोई समस्या हो तो तुरंत बताओ। अब यहां पे अगर हम डीआरडीओ की बात किए यार, और इसरो की अगर नहीं बात करेंगे तो इसरो नाराज हो जाएगा। अब इसरो की बात करते हैं। इसरो की स्थापना कब की गई? 1969 में। इसरो की स्थापना कब की गई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु के कर्नाटका में। कहां है बेटा? बेंगलुरु के कर्नाटका में। अब आप कोई दिक्कत है क्या यहां पर? इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके चेयरमैन वर्तमान में कौन है? इसके वर्तमान समय में चेयरमैन कौन? इसके वर्तमान समय में चेयरमैन है एस सोमनाथ जी, और ये आपके एग्जाम में आ चुका है। कौन थे? एस सोमनाथ जी। इससे पहले कौन थे? के सिवान साहब। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चल अब आगे चलते हैं, आगे चीजों को समझते हैं। यानी कि इंडियन आर्मी और डीआरडीओ का बहुत बड़ा योगदान है, ये इंडियन आर्मी और डीआरडीओ का बहुत बड़ा योगदान है। ये बात क्लियर है भाई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक जितनी बातें बताए कोई दिक्कत, कोई समस्या? बेटा बताओ, जल्दी से बताओ, डीआरडीओ और इसरो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और हमारे लिए क्या है? हमारे लिए एक वरदान है डीआरडीओ और इसरो, और इन्हीं की सहायता से हम डे बाय डे विश्व पटल पर एक नए कीर्तिमान स्थापित किया। अब ATGM क्या होता है? एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल, एंटी गाइडेड, ATGM होता है ना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है। ATGM, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। आओ इसको देखते हैं यार, इसको देखते हैं, इसमें है क्या भारत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? हाँ, इस ये है क्या? ATGM जिसको बोलते हैं, आप जानते हो कि आजकल ऐसी ऐसी मिसाइल हो चुकी हैं कि पैदल आदमी भी अपने कंधे पर रख करके लॉन्च कर सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं। ऑल इंडिजीनियस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ऑल इंडिजीनियस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, संरक्षित तरबंद वाहनों को हराने के लिए एक आक्रामक उच्च विस्फोटक एंटी टैंक वारहेड का इस्तेमाल करती है। ऑल टैंक गाइडेड मिसाइल, अब देखो यहां पे शुद्ध हिंदी हो गया है, और हमने इसका प्रयोग वर्तमान में MBT अर्जुन 120mm राइफल वाली बंदूक से इस तकनीक के मूल्यांकन का परीक्षण चल रहा है। अब यहाँ पे इंग्लिश में अगर देखोगे तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एंड इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एट द KK रेंज इन अहमदनगर। कहां पर बेटा?
के रेंज इन अहमदनगर महाराष्ट्र। कहां पर बेटा? महाराष्ट्र में 29 जून 2022 को, जिस दिन हम नेशनल स्टैटिक्स डे मनाते हैं। एज पर द डिफेंस मिनिस्ट्री द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ऑफ इंडिया वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम द अर्जुन बैटल टैंक। कहां से बेटा? कहां से टेस्ट फायर किया गया इसका? अर्जुन बैटल टैंक। द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आल्सो कांग्रेचुलेट द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ एंड द इंडियन आर्मी फॉर द सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM। और कहां से हमने इसको टेस्ट किया भाई? एंटी टैंक को, अर्जुन बैटल टैंक से। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ऑफ इंडिया टेस्टेड, व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट? क्यों इतनी सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण क्यों है? एज पर द डिफेंस मिनिस्ट्री एंगेजिंग द टारगेट्स एट लोअर रेंज इज अ चैलेंज ड्यू टू द डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स ऑफ द टैंक लॉन्च ATGMs व्हिच हैज बीन सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश्ड बाय द ATGM फॉर अर्जुन टैंक। अब मेरी बात को समझिएगा, शॉर्ट रेंज में टारगेट को हिट करना थोड़ा सा टफ होता था, इसलिए इस प्रकार का परीक्षण किया गया है। क्लियर है? द मिनिस्ट्री ऑफ फर्दर एडेड दैट विद द ट्रायल दैट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इज कैपेबिलिटी टू एंगेज द टारगेट्स फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। और आने वाले समय में अभी जो रेंज है इसको और बढ़ाई जाएगी, मैक्सिमम रेंज की जाएगी। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल व्हाट डू वी नो, है क्या हम इसके बारे में जानते क्या है? द ऑल इंडिजिनियस एंटी टैंक मिसाइल्स इंप्लॉयज अ टेंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हीट वॉरहेड फॉर डिफीटिंग द एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। अब किस वॉरहेड का प्रयोग किया जाता है और उसका नाम होता है एरा, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। प्रोटेक्टेड आर्म्ड व्हीकल्स द ऑल टैंक गाइडेड मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड विद द मल्टीप्लेटफॉर्म लॉन्च कैपेबिलिटी एंड आल्सो बीन करेंटली अंडरगोइंग टू द टेक्निकल इवोल्यूशन ट्रायल फ्रॉम द 120mm राइफल्ड गन ऑफ MBT अर्जुन। ठीक है? द चेयरमैन ऑफ DRDO जी सतीश रेड्डी कॉन्ग्रेचुलेटेड द टीम हु वर इन्वॉल्व इन द डिजाइनिंग डेवलपमेंट एंड द ट्रायल ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम। ही इज ऑल्सो एडेड द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ द लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विल एनहांस द फायर पावर ऑफ द MBT अर्जुन। ठीक है भाई, अब चलिए आगे करते हैं। यहां पे आप देख पा रहे हैं अर्जुन मेघवाल प्रेजेंटेड विद द होली कपिलवस्तु एरिलेक ब्रॉड बैक फ्रॉम द मंगोलिया। अब आप जानते हैं हम यहां पर बात करेंगे मंगोलिया के बारे में। मंगोलिया की कैपिटल है उलानबटोर। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलानबटोर। मंगोलिया के वात्सागान मंदिर में, मठ में, भगवान गौतम बुद्ध के 22 अवशेषों में से 4 अवशेष भेजे गए थे। कितने भेजे गए थे? 4। और मंगोलिया और इंडिया के बीच में कल्चरल विरासत की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ये 4 जो है भेजे गए थे। अब यहां पे समझिएगा, इन चारों को वहां पे क्या किया गया? वहां पे जनता दर्शन के लिए 11 दिनों के लिए रखा गया था। कितने दिनों के लिए लिया रखा गया था? 11 डेज के लिए। क्यों रखा गया था? क्योंकि वहां पर बुद्ध पूर्णिमा को बहुत बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, जिसको बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा। किसको, क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। अब ये बुद्ध पूर्णिमा क्या है? बौद्धों का पवित्र त्यौहार है। आपको बता दूं, इसी पूर्णिमा की तिथि को गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने इसी दिन अपने शरीर का मतलब त्याग किया, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण दिन है इनके जीवन में, ये जो पूर्णिमा है। ज्ञान उसी दिन प्राप्त हुआ, उसी दिन इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। यानी कि बुद्ध पूर्णिमा बौद्धों का बहुत बड़ा पवित्र त्यौहार है और जिसके लिए भारत से 4 अवशेष भगवान गौतम बुद्ध के मांगे गए थे। और ये गौतम बुद्ध को ही तथागत कहा जाता था। इनके साथ साथ गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध के बारे में हमें विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है। जैसे कि सर्वप्रथम बुद्धिज्म के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो हमें अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ से पता चलता है। कौन से ग्रंथ से हमें बुद्धिज्म के बारे में पता चलता है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय के अलावा बात करूं तो मिलिंद पन्हो, जिसको किसने लिखा था? मिलिंद पन्हो। अब मिलिंद पन्हो से भी हमें बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है। और मिलिंद पन्हो के यानी कि मिलिंद पन्हो, मिलिंद राजा थे और पन्हो का मतलब होता है प्रश्न। राजा मिलिंद के प्रश्न, इसका उत्तर किसने दिया था? नागसेन ने दिया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो राजा मिलिंद के प्रश्न थे उसका उत्तर किसने दिया? नागसेन ने दिया। तो यानी कि मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद के प्रश्न। आई अगली किताब जो थी जिसे हमें अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक,
विनय पिटक। कौन सा ग्रंथ बेटा? विनय पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक, जातक कथाएं, जातक टेल्स, जो कि 500 से अधिक लिखी गई, यहां से भी पता चलता है। ललित विस्तार एक ऐसा ग्रंथ है जो कि गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में विस्तार से बताता है। ललित विस्तार, ललित विस्तार। और बुद्ध चरित, बुद्ध चरित, इसे किसने लिखा था? अश्वघोष ने। जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, रामायण ऑफ बुद्धिस्ट। रामायण ऑफ बुद्धिस्ट। बताओ कोई दिक्कत? कहीं कोई खुजली? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी कपिल वस्तु नामक स्थान में हुआ था, ठीक है, जिसे वर्तमान समय में रुम्मनदेई कहा जाता है। क्लियर है? अब आइए आगे बात करते हैं। ये इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कब हुई? 80 वर्ष के बाद, यानी कि 483 बीसी में। अब कहां पे महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई? इन्हें परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई कुशीनगर में, ठीक है। इसके साथ साथ इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, और आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, पहला हीनयान, जो कि मूर्ति पूजा नहीं करते थे, आइडल वर्शिप नहीं करते थे, महायान, मूर्ति पूजा करते थे, महायान मूर्ति पूजा किया करते थे, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, याद रखिएगा, कनिष्क को सेकेंड अशोका कहा जाता है। अपने जीवन काल में कनिष्क और अशोक ने बहुत बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। क्लियर है बात बेटा? यहां तक उम्मीद करता हूं। गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे कौन? अलार कलाम। दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र, ठीक है, क्लियर है। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, और घर छोड़ने की प्रक्रिया को बुद्धिज्म में पाली भाषा में इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश भी दिए थे, और पाली भाषा में धर्म सॉरी महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है इसे, घर छोड़ने की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ गया में पीपल वृक्ष के नीचे, पूर्णिमा की तिथि को, निरंजना नदी, पुनपुन नदी या फुलगुल नदी, फल्गु नदी के किनारे। तभी से उस स्थान विशेष को पवित्र एक पूजनीय स्थल के रूप में जाना जाने लगा, और बुद्ध वृक्ष को शशांक ने ही कटवाया था, याद रखिएगा, जो कि बंगाल का गौड़ शासक हुआ करता था। और अगर बुद्ध बौद्ध धर्म के बारे में बात करी जाए तो आपको बता दूं कि इन्हीं को तथागत बुद्ध भी कहा जाता था, और इन्हीं को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। भगवान विष्णु का इनको अवतार भी माना जाता था। इनके जो शूद्र शिष्य थे उनका नाम था तपस और मल्लिक। इनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद उपाली और अनामिका। क्लियर है? तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें। जब इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए? श्रावस्ती में। सर्वप्रथम इन्होंने उपदेश कहां दिए? सारनाथ में दिए, जहां पर इन्हें धर्म, इनके प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। सबसे पहले इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनकी जो मौसी थी इनका पालन पोषण की, क्योंकि माँ का डेथ हो जाता है, तो इस वजह से कहा जाता था, इनको कहा जाने लगा भाई कि इनका नाम अब सिद्धार्थ से गौतम हो गया। गौतम से जब घर बार छोड़े, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो गौतम बुद्ध हो गए। उपदेश दे दिए तो महात्मा बुद्ध हो गए, ठीक है भाई। तो चलिए, ये बहुत सारी चीजें डिटेल थी और इनके बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने डिस्कशन किया, यानी कि अब आइए इनके अवशेषों के बारे में बात करते हैं। मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा के सम्मान में मंगोलिया के गंदन मठ के मैदान में बादशाहगान मंदिर में 12 दिवसीय प्रदर्शनी के बाद भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेष भारत लौट आए। पवित्र अवशेषों को कौन लेकर गया था? किरण रज्जू। रिसीव किसने किया? मेघवाल साहब ने। किसने रिसीव किया भाई? मेघवाल साहब ने, श्री अर्जुन मेघवाल साहब ने, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करी जाए।
नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. ईरान एंड अर्जेंटीना अप्लाइज टू ज्वाइन चाइना एंड रसिया इन द ब्रिक्स. आपको बता दूं ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. अब इस क्लब में ईरान और अर्जेंटीना भी शामिल होना चाहते हैं. ईरान और अर्जेंटीना भी शामिल होना चाहते हैं. तो चलिए आइए देखते हैं इस क्लब के बारे में. आप ये देख पा रहे हो कि की मेंबर्स की अगर बात करी जाए तो ब्रिक्स की ब्राजील के प्रेसिडेंट जेल्स बोल्सोनारो, रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चाइना के शी जिनपिंग और जो 2022 की बैठक हुई ब्रिक्स की उसके जो अध्यक्षता करी वो चाइना ने करी और साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा. फॉर्मेशन सितंबर 2006 में हुआ और अगर बात करी जाए तो पहली ब्रिक्स की समिट कब हुई 2009 में. अब अर्जेंटीना और ईरान चाहते हैं कि मेंबर बन जाएं हम लोग भी किसके ब्रिक्स के. तो है क्या ब्रिक्स आपको बताता हूं. ईरान ने ब्रिक्स के नाम से जानी जाने वाली उभरती अर्थव्यवस्था के समूह में सदस्य बनने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है और ईरान के विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता ने ब्रिक्स समूह में ईरान की सदस्यता जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है दोनों पक्षों के लिए अतिरिक्त मूल्यों का परिणाम होगा. अर्जेंटीना में भी समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया. अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज जो वर्तमान में यूरोप में है हाल के दिनों में अर्जेंटीना के ब्रिक्स में शामिल होने की अपनी इच्छा दोहराई. अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने ऐसा किया. सुश्री जराखो ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर लिखा कि जब व्हाइट हाउस इस बारे में सोच रहा था कि दुनिया में और क्या 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 बंद किया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए या बिगाड़ा जाए, अर्जेंटीना और ईरान ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है. ठीक है, ये था. अब नेक्स्ट ओलंपिक चैंपियन अगर हम बात करें, क्या करें बेटा, ओलंपिक चैंपियन सिडनी मैकलॉगिन ब्रेक्स आउन 400 मीटर हर्डल वर्ल्ड रिकॉर्ड. मतलब इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक थ्रू कर दिया है. चलिए इसके इनके बारे में देखते हैं. ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता सिडनी मैकलॉगिन ने यूजीन ओरंगन में यूएस चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है. यानी कि कितना रिकॉर्ड था, 51.41 सेकंड में फाइनल जीत. 22 वर्षीय ने अपना ये जो रिकॉर्ड तोड़ा है, अगर इसके पीछे की बात करी जाए तो ब्रिटन विल्सन 1.6 सेकंड पीछे रह गए और समीर लिटन ने 53.92 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया. चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं. तो ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने. इस क्वेश्चन से डिस्कशन करने से पहले एक बहुत बड़ा एजेंडा जो कि मैंने आपको बताया है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे क्योंकि वो भी हाल ही में चर्चा में रहा, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी. और दूसरी चीज उसके साथ साथ महाराष्ट्र में, भारत के महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में किस तरीके से पूरा घटनाक्रम बदला और एकनाथ शिंदे जी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री घोषित किया गया. आइए देखते हैं इस घटनाचक्र को. देखिए एकनाथ शिंदे, सबके नाथ एकनाथ, सबके नाथ एकनाथ, एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सीएम के रूप में शपथ ले ली ना. तो यानी कि करंट में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे. दूसरे बात पूछी जाएगी कि गवर्नर कौन है बेटा, तो भगत सिंह कोशियारी. कौन है बेटा, भगत सिंह कोशियारी. दूसरी चीज आप जानते हैं कि महाराष्ट्र सेकेंड हाईएस्ट, दूसरा ऐसा राज्य है जिसके पास सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं. सबसे अधिक किसके पास है बेटा, उत्तर प्रदेश के पास कितनी है 80. उसके बाद महाराष्ट्र के पास कितनी है 48. महाराष्ट्र के पास कितनी है 48. उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, एच मतलब मेनी मोर. अगर मैं बात करूं 28, आपको बता दूं सबसे अधिक अगर यूटीज में किसी के पास लोकसभा की सीटें हैं तो किसके पास है बेटा, दिल्ली के पास. सबसे अधिक किसके पास है, दिल्ली के पास. और अगर नॉर्मल स्टेट्स की बात करी जाए तो सबसे अधिक किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास. उत्तर प्रदेश के पास लोकसभा की सीटें अधिक है, राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा में कितनी है उत्तर प्रदेश की 31. और सबसे अधिक विधानसभा की भी सीटें कितनी है बेटा 403 और विधान परिषद की कितनी है 100. अब यहां पे बात चली है तो आपको पता होना चाहिए कि अपने पास कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, उनको याद करने का ट्रिक देख लें. कुंभ जाट, यहां पे जे को क्रॉस कर दीजिए और इनकी काउंटिंग कर लीजिए. यानी कि वी हैव अ 6 स्टेट्स एंड 1 और 2 मे बी अपकमिंग 2023 मे बी द हैविंग स्टेट्स दैट हैविंग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दीज आर द 6 स्टेट्स हैविंग अ बाइक्रैमल सिस्टम. यानी कि यहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है. अब यहां पे समझिएगा मेरी बात को, सरकार की अस्थिरता
दोनों दिशाओं में तय की जाती है, चाहे राज्य स्तर पे विधानसभा की बात हो, चाहे केंद्र स्तर पे लोकसभा की बात हो। तो राज्यों का जो मैटर है वो विधानसभा स्तर पे आता है, तो उसको पहले डिस्कस करेंगे हम। समझिएगा मेरी बात को। आप जानते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले रोल करेगा भाई। देखिए, अगर अपर हाउस है, अगर विधान परिषद है, तो क्या लिखेंगे? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल SLC, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली SLA, और गवर्नर, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, अब SLC से कौन चुन करके आता है? MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। SLA से कौन चुन करके आता है? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब यहां पे सारा खेल महाराष्ट्र का बिगड़ गया। कहां पे बेटा? MLA पे। अब MLA की मैं बात अगर करता हूं, तो आप जानते हैं कि सरकार उसी की बनेगी किसी राज्य में जिसके पास मेजॉरिटी होगी, यानी कि क्या होगा बेटा? बहुमत का खेल होगा, यानी कि मेजॉरिटी का खेल होगा। अब अभी आपने हाल ही में सुना कि एकनाथ सिंधे साहब कुछ विधायकों को लेकर के चले गए गुवाहाटी, यानी कि जिसके सपोर्ट से सरकार बनी थी, यानी कि आप जानते हैं कि अलायंस की सरकार थी, महाअघाड़ी विकास सिंह, इसका क्या नाम था जो इनके बीच में गठबंधन हुआ था, NCP, कांग्रेस और शिवसेना के बीच में, जिसे कहा जाता था महाअघाड़ी। अब MVA, इनका जो अलायंस था वो ब्रेक हो गया, क्योंकि भाई इसमें से मैक्सिमम जो MLAs थे वो कहां चले गए? असम के गुवाहाटी में चले गए। क्लियर है? अब जब वहां पे चले गए, तो भाई जो दूसरी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी उस राज्य में, वो कौन सी थी? BJP। अलायंस पार्टी अल्पमत में हो गई, तो BJP के पास एक मौका हो गया। यानी कि इसके साथ साथ यहीं से क्या हुआ भाई, नया एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि अगर आपके पास लिमिटेड टाइम पीरियड में, या तो दो प्रोसेस होता है, कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, या तो भाई कॉन्फिडेंस मोशन से पहले काउंटिंग करी जाए विधायकों की राज्यपाल के सामने, या राजभवन में, हर राज्य का एक राजभवन होता है जहां पर राज्यपाल रहता है, उसके सामने काउंटिंग, दो ही ऑप्शन होते हैं। अब इसमें यह देखा गया कि वाकई में जो करंट का अलायंस है वो उतना नंबर रख नहीं पा रहा है जितनी सरकार के लिए यूजफुल होनी चाहिए। तो यानी कि एकनाथ सिंधे जी ने बहुमत के दायरे को प्रस्तुत किया, और भगत सिंह कोश्यारी ने इन्हें क्या बना दिया? चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब इसमें जो एजेंडा है डिस्कशन करने का, वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये क्या है, आओ इसको देखते हैं यार। व्हाट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ? क्या है ये एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून इसलिए लाया गया कि राज्यों में स्थायी सरकार दी जाए और केंद्र में भी स्थायी सरकार दी जाए, जब जनता के जनादेश के द्वारा जितने वर्षों के लिए इन्हें चुना गया उतने साल तक ये प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में काम करें, यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग ना होने पाए, विधायकों की खरीद फरोख्त ना होने पाए। तो 52वां संविधान संशोधन, 52 अमेंडमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। और ये जो संविधान संशोधन है इसीलिए किया गया था कि राजनीतिक अस्थिरता को राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे दूर किया जाए। यानी कि 52वां संविधान संशोधन अगर बात करता हूं, तो इसकी मेंशनिंग किस में की गई? 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल कुल कितने हैं? 12। 10वें अनुसूची के अंतर्गत यह बात बताई गई। यानी कि अब बात को समझिएगा इसको, यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत यह बात बताई गई कि भैया देखिए, दल बदल के स्तर का एक कानून होगा, अगर उस कानून के खिलाफ आप जाते हैं तो आपकी संसद सदस्यता या विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि यह बात कही गई कि अगर कोई आदमी कोई भी पार्टी से जुड़ा होता है और वह बीच में अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसकी संसद सदस्यता या विधानसभा संबंधित है तो विधानसभा सदस्यता समाप्त हो सकती है। लेकिन एक क्राइटेरिया इसमें बताया गया 91 अमेंडमेंट ऑफ 2003 में, कि भैया अगर दो किसी भी पार्टी के 2/3 इससे अधिक विधायक या सांसद किसी पार्टी में चले जाते हैं, तो उनकी संसद सदस्यता समाप्त नहीं होगी। और यही बेनिफैक्टर था किसके लिए? महाराष्ट्र में एकनाथ सिंधे के लिए। अब आपके पास बेहतर और शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर क्या हूं, अपना दिल थाम के बैठिएगा और इन क्वेश्चन का आंसर करिएगा। देखते हैं कि कितना फ्रूटफुल तरीके से आपने इस वीडियो को, जिसके लिए मैंने जान पूरी लगा दी, और कितना फ्रूटफुल आप आंसर कर पाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स ऑब्जर्व? आंसर करना है आपको फास्टली, कमेंट बॉक्स में फास्टली। 29th ऑफ जून विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने नेशनल स्टैटिक्स डे ऑब्जर्व ना, ऑब्जर्व
जो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस सांख्यिकी विद के जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है, 29 जून को पीसी महालोविस का जन्म हुआ था और उसी डे को हम लोग क्या सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, 29th ऑफ जून को। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। व्हिच टू कंट्रीज हैव अप्लाइड टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग? ईरान एंड अर्जेंटीना। ईरान एंड अर्जेंटीना। व्हिच टू इंडियन एक्टर्स हैव बीन इनवाइटेड टू बिकेम द मेंबर ऑफ क्लास ऑफ 2022 ऑफ द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस? काजोल एंड सूर्या। चलिए आगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल टर्म हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मंथ्स? 3 months। व्हाट विल बी द राइट आंसर? 3। आप जानते हैं कि के वेणुगोपाल राव क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 76 में के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताएं। इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। आप जानते हैं कि इनकी सैलरी और जो टेन्योर होता है वो टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके प्लेजर बेसिस पे और इनके विल पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी चीज याद रखिएगा, यह भारत सरकार का सरकारी वकील होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रख सकता है, स्वतंत्र है ये। दूसरी चीज आप समझ सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, अपना विचार प्रस्तुत कर सकता है, बट इसके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। हाँ, ये इकलौता ऐसा सरकारी आदमी होता है जो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, लेकिन इसे इस बात का ध्यान रखना होता है कि वह केस सरकार के विरुद्ध ना हो। चलिए, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे बेटा? भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे एमसी सीतलवाड़। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। यूरेनियम माइनिंग रिजर्व हैव बीन फाउंड रिसेंटली इन विच स्टेट? राजस्थान। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरेनियम की अभी हाल ही में अगर मैं बात करता हूं तो 1086.46 हेक्टेयर के क्षेत्र विशेष में राजस्थान में क्या मिला है? भंडार मिला है, क्लियर है। और इससे पहले कहां कहां यूरेनियम की माइनिंग हो चुकी है भाई? अगर मैं बात करता हूं तो आंध्र प्रदेश और बेटा दूसरे नंबर पे झारखंड का जादूगोड़ा, और यहीं पे यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जादूगोड़ा में क्या है बेटा? हेडक्वार्टर भी। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। वेयर इज द इलेक्शन, व्हेन आर द इलेक्शंस फॉर वाइस प्रेसिडेंट इंडिया? आपको पता होना चाहिए 6 अगस्त को। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान समय कौन है? वेंकैया नायडू साहब। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग परमेश्वर अय्यर, परमेश्वरम अय्यर साहब को नीति आयोग का क्या नियुक्त किया गया है? सीईओ। इसके पहले कौन थे? अमिताभ कांत। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसने किसकी जगह ली है? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कहां से हमने लिया था? यूएसएसआर से, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन से। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं, इसके पहले डिप्यूटी चेयरमैन कौन बने थे? राजीव कुमार। इसके पहले डिप्यूटी चेयरमैन कौन बने थे बेटा? करेक्ट कर लीजिएगा, अरविंद पनगड़िया। इसके बाद कौन बने? राजीव कुमार। इसके बाद कौन बने बेटा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमको आंसर करके बताइए, इसके बाद कौन बने? अब वर्तमान समय में अमिताभ कांत का पोस्ट किसने लिया है बेटा? लिया है वर्तमान समय में परमेश्वरम अय्यर ने लिया है। चलिए अब आगे बात करते हैं। When health pilot initiative has been launched in which city? Bangalore। कहाँ पे लॉन्च की गई बेटा? Bangalore में। Which state government has bagged the second prize in the National SME Award 2022? Second की बात कर रहा है तो बेटा कौन सा राज्य होगा? Second number पे कौन सा होगा? Second पे होगा बिहार। और first पे कौन सा है? First पे है उड़ीसा। Second number पे कौन सा है बेटा? बिहार। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे explanation में। तो आप अगर देख पाएंगे बेटा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आंसर ए दे रहा है। ना ना ना, ना यहाँ पे सुधार लेना। Which state government has bagged the second? अगर second prize बोलता है बेटा क्या बोलेगा? अगर second बोलेगा तो आपका बिहार होगा, तो बिहार will be the right answer, यानी कि B will be the right answer। यहाँ पे बेटा क्या होगा? बिहार। और उड़ीसा तो टॉप पे रहा है ना बेटा, उड़ीसा has been awarded the first prize। Clear to everyone? चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अगर मूव ऑन करें तो मेरे प्यारे बच्चों आगे का क्वेश्चन आप देख पाएंगे आपके सामने स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें। तो यानी कि हमने सारे क्वेश्चंस को कर लिया फ्रूटफुली तरीके से। इस तरीके से मेजर पॉलिसी परिवार के प्रति अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। डेली करंट अफेयर की क्लासेस 10:45 11:30 होती हैं, संडे को वीकली करंट अफेयर आता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंटेड ग्रुप में शेयर करिएगा और एकदम दिल को खुश कर देने वाले, अभिभूत कर देने वाले कमेंट जरूर करिएगा। मैं वेट करूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू लॉट। जय हिंद, जय भारत।